बच्चों, आज हम मोदी के फाउंडेशन की तरफ से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 22 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे वचन बदलना। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में बदल कर लिखो। तो बच्चों, यहाँ हमें एक तरफ एक वचन शब्द दिए गए हैं और हमें इन शब्दों को बदलकर बहुवचन के रूप में लिखना है। तो बच्चों, एक वचन का अर्थ होता है जिन शब्दों से हमें एक का बोध होता है, और बहुवचन का अर्थ होता है एक से ज़्यादा, जिन शब्दों से हमें एक से ज़्यादा का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला शब्द हमें दिया है दीवार। क्या दिया है? दीवार। एक है तो दीवार, और ज्यादा होंगी तो क्या हो जाएगा? दीवारें। तो दीवार का क्या बन जाएगा बहुवचन शब्द? दीवारें। तो यहां लिखते हैं इसको दीवारें। इसी तरह आगे दूसरा शब्द हमें दिया है पुस्तक। क्या दिया है? पुस्तक। एक है तो पुस्तक शब्द आया, और ज्यादा हो जाएंगी तो क्या आएगा यहाँ पे? पुस्तकें। तो पुस्तक का बहुवचन शब्द क्या बनेगा? पुस्तकें। इसे भी लिखते हैं यहाँ पे पुस्तकें। क्या बन गया बच्चों? पुस्तकें। इसी तरह आगे देखते हैं क्या है तीसरा शब्द है कलम। क्या है? कलम। तो कलम का हो जाएगा कलमी। क्या बन जाएगा बच्चों? कलमी। इसी तरह आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है अगला शब्द मशीन। क्या दिया है? मशीन। एक है तो मशीन, और ज़्यादा होंगी बहुत सारी होंगी तो हो जाएगा मशीन का मशीनें। क्या बन जाएगा? मशीनें। तो बच्चों, इसे भी हमने यहाँ बदला, मशीन का बन गया हमारा शब्द मशीनें। आगे दिया है दवात। क्या दिया है? दवात। तो दवात का हो जाएगा दवाती। क्या बनेगा? दवाती। इसी तरह आगे देखते क्या दिया है साइकिल। एक है तो साइकिल, और ज़्यादा हो जाएंगी तो आएगा साइकिल का बन जाएगा बहुवचन। क्या मिलेगा हमें? साइकिलें। तो यहाँ लिखते हैं साइकिलें। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में बदलना सीखा। तो बच्चों, पेज नंबर 22 पे ये कार्य दिया गया है, आप भी मिलाइए कि आपने कार्य इसी तरह किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।